मैं आज भी तुंदे कन्ने गल्लां कुछ सांझियां करना चाहना वा जेड़ियां पिछले दिनां च तुस सुना दे ही बड़े अच्छे वचन डोगरी विच तुस सुने ने ते तुस मिकी बड़ा मता प्यार भी दिता है। मैं इस गल उपर विश्वास करना। मैं अज एक बड़ी ही अच्छी गल तुंदे कन्ने करना चाहना। वो गल ए वे कि अज दुनिया विच तिहाड़े सारे शांति ढूंढा दे ने। वो आखा दे ने कि असां की शांति मिले। मैं बड़े ऐसे लोकां की जानना वा जिन्हां दे जीवन च किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो इंसान जिहड़ा वा जो शांति उसके कोल नहीं है। शांति जिहड़ी है वो असां की किसी दुकान उपर या किसी बड़ी बड़ी जगह उपर नहीं मिली सकती है। अस सोचने हैं कि अस कोई भले काम या बड़ी बड़ी चीज़ा करी लैगते भी असां की शांति मिल गई। बड़े बड़े लोग जेड़े ने दुनिया उत्ते आए, दुनिया उत्ते रहे, संसार विच भी उहदे बाद वह दुनिया छड्डी के चली गए, तो उन्होंने आख्या कि असां की तां शांति मिली नहीं है। रोना भी चाहते ने, शैल उन्दे कश जमीना ने, परिवार अच्छे ने, चीज़ों की कोई उन्दे कन्ने कमी नहीं है, लेकिन अज भी इंसान जिहड़ा है वह शांति दे नाल नहीं जीवदा। इंसान सवेरे उठता वे कदी इधर कदी उधर दुनिया विच जावादा है, तो वह ढूंढता है कि किसी ना किसी जगह पर अस शांत हो जाइए, लेकिन एक है जिहड़ा तुसां गी शांति देना चाहता है। उहदा नाम है शांति का राजकुमार। वह शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। एक बारी की होया कि प्रभु यीशु ते उहदे चेले जिहड़े ने वह नाव उपर बही के किश्ती उपर बही के कुते जा रहे ही, जाते जाते तूफान आई गया, पानी विच तूफान आई गया, तो पानी जिहड़ा भी किश्ती दे अंदर आई गया, तो चेले आखा दे ही कि प्रभु यीशु असां की शांति दे ना, अज तुंदे जीवन विच भी कोई ना कोई तूफान जरूर आएगा होना है। बीमारी का तूफान, तंगी का तूफान, तखनाई का तूफान, नशे का तूफान, कौन बचागा उहदा तूफान, या घरां विच कलेश परेशानियां दे तूफान जिहड़े ने उठा दे ने, ते तुस सोचा दे हो कि कौन आएगा जिहड़े असां की इस तूफानां विचों कढ़गा, ते उन्होंने प्रभु यीशु की आख्या, प्रभु यीशु उठो ते साड़ी मदद करो। प्रभु यीशु मसीह उठे और आए, उन्होंने आंधी ते तूफान की थमी उड़िया और आंधी ते तूफान उत्थे थम गया। और प्रभु यीशु मसीह ने आख्या कि क्या तुंदे अंदर विश्वास नहीं है? अगर तुंदे अंदर विश्वास होंदा ते आंधियां तूफानां जिहड़ियां थमी जांदियां। मैं तुसां गी दसना चाहना, अगर यीशु साढ़े अंदर है या साढ़े दिलां विच वसदा है ते अस शांति या शांत रही सकने हैं। फिर दुनिया विच तिहाड़े जो मर्जी कुछ हुंदा रहे, समस्याएं आण, परेशानियां आण, दुख आण, कलेश आण, कुछ भी साढ़े जीवन च आग, अस शांति दे विच अपना जीवन जिहड़ा वह बतीत करी सकने हैं। अगर अज तुस चाहते हो कि तुस अपना जीवन जिहड़ा वह शांति कन्ने बतीत करो, तो आओ भी उसी यीशु कोल जिहड़ा तुसां गी अज शांति देने वास्ते अपनी बाहां जिहड़ियां फैलाए हुए तुंदा की आखा दा, आओ मेरे कश ते मैं तुंदा की बड़ी ही शांति देग। दुनिया विच बड़े लोग ने जिहड़े तुसां गी झूठियां गल्लां करके अपने कोल बरमा वादे ने, लेकिन उंदे कश ना जाओ, उंदे कश कोई शांति नहीं है। अज प्रभु यीशु कोल आओ, वो तुसां गी मती शांति देग। उन्हें आख्या कि मैं अपनी शांति जियां संसार देंदा है उहां मैं तुसां गी शांति नहीं देंदा, मैं तुसां गी अपनी शांति देना, क्योंकि दुनिया की शांति तिहाड़े थोड़े समय वास्ते होएगी, दो मिनट वास्ते तुसां गी वो शांति देग, पांच मिनट वास्ते शांति देग, लेकिन प्रभु यीशु हमेशा वास्ते तुसां गी शांति देग। आओ अस प्रार्थना करचे। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करना कि मेरी भैन मेरे भरा जिहड़े भी तिहाड़े अज इस चंगीआं गल्लां नूं सुना दे ने, इस मैसेज नूं सुना दे ने, उन्हां दी जिंदगी बदली उड़ो,
ते उन्हां नूं सच्ची शांति दो। मैं विश्वास करना कि तुस अपनी शांति दे कन्ने उन्हां गी भरी उड़िया और ये मिठी वाणी जिहड़ी है उन्दे कन्ने गल करा दी है। प्रभु येशु तेरे नाम च इस प्रार्थना की मंगी लैने आ, येशु दे नाम दे विच मंगना चाहुंदा, आमीन आमीन। ते जे तुस और भी अच्छियां गल्लां शांति दियां सुनना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखी ओड़ो, अस तुंदे वास्ते प्रार्थना करांगे, तुहाडी फैमिली वास्ते प्रार्थना करांगे ते परमेश्वर तुसां की शांति दे, तुहाडे घर की शांति दे, तुहाडे शहर की शांति दे। ये मेरी प्रार्थना है, यीशु दे नाम विच मैं फिर तुंदा स्वागत करना।